सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विद द बैट फोर्स। तो आज की वीडियो में तुम्हारा भाई बुलाने वाला है एंडर ड्रैगन को बैट फोर्स के अंदर। भाई सच में बुलाने वाला यार, कभी कभी मैं भी सच बोल लेता हूँ यार, मान लिया करो भाई तुम मेरी बात। खाओ माँ कसम। तो सबसे पहले तो यार मुझे यहाँ पे अपने निकनेम रख लेना चाहिए ताकि कोई मेरे को पहचान ना पाए। तो नाम रखेंगे हम लोग अपना गोल्डी भाई। गोल्डी भाई एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बस दरिंदगी इसके नाक से टपकती है। तो मुझे फटाफट से यहाँ पे बैट डिफेंस कर लेना चाहिए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 साहब भाई, सबने मिलके बैट कर लिया यार, वाह क्या सीन है ब्रो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करने की एक्टिंग मुझे भी कर लेनी चाहिए भाई, वरना ऑडियंस देखेगी तो भाई बहुत मारेगी। तो अगर तुम लोग बैट बॉल स्क्वाड खेले हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई डायमंड जेन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैट बॉल स्क्वाड के अंदर। यहाँ से हम डायमंड्स लेके हम लोग अपने लिए प्रोटेक्शन, आयरन फोर्ज और बहुत बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं अपने बेस के लिए, ताकि हम लोग सर्वाइव कर जाए। और भाई एंडर ड्रैगन तक सर्वाइव करना है तो भाई हमें सारे के सारे डायमंड यहाँ पे चेस्ट में जाके रखने वाले हम लोग। हाँ बाकी टीम वाले बंदों को मैं ऐसे बोल के आयु कि भाई कोई भी किसी का सामान चोरी नहीं करेगा, ट्यूब गेमर का भरोसा नहीं। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद की औकात देख। यार यहाँ पे नहीं दिक्कत हो गई यार, येलो का बैट डिस्ट्रॉय हो चुका है। और भाई अगर सब चीज में खत्म हो जाएगी अपने आप को मारते हुए तो भाई फिर कैसे एंडर ड्रैगन स्पॉन होगा यार, तुम खुद ही सोचो यार। तो मुझे अपनी टीम के साथ साथ एटलीस्ट किसी एक टीम को भी प्रोटेक्ट करना होगा भाई। लगाओ यार सूरज भाई लगाओ यार, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। फिलहाल मैं यहाँ पे एक ट्रैप खेल लेता हूँ, पता चले मेरा बेस टूट गया। तो ब्लू वालों ने डायमंड जेन तक ब्रिज कर दिया। और भाई बंदा कह रहे ब्लू इज कमिंग है। ब्लू वालों तुम्हें डर नहीं लगता भाई, कितने खतरनाक बंदे बैठे हैं यहाँ पे भाई, खाल उधर देंगे मेरी टीम के बंदे, मैं तो थोड़ा नुबड़ा बंदा। और भाई वहाँ पे नीला वाला बंदा कुछ लेके भाग रहा है, जरूर यार डायमंड लेके भागा भाई, डायमंड यार हमारे डायमंड लेके भाग रहा है बंदा। एक सेकंड मैं देखता हूँ यहाँ पे, नहीं यार एक भी डायमंड नहीं बचा भाई, सारे के सारे डायमंड लेके भाग गया बंदा। तो एक काम करता हूँ यार, मैं एक काम करता हूँ ये वाले जगह बंद कर दूंगा भाई, ये वाली जगह नहीं होगी तो भाई तू आएगा कैसे। और भाई वो बंदा क्या कर रहा है मेरी टीम का, अच्छा भाई वो टीम का ब्रिज खराब कर रहा है भाई, यही होते हैं भाई टीम के मेंबर्स। कोई नहीं बोलेगा 200 रुपए दिहाड़ी पे लेके आऊ। लो यार ग्रीन का बैट भी गया भाई, ग्रीन का बैट भी टूट गया, अब बस ब्लू का बैट बचा है। और भाई ग्रीन वाले बंदे उधर भाई ब्लू का बैट डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सोचो ब्लू का बैट डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई फिर खत्म हो जाएगा यार मैटर, मैं ग्रीन को निशान लगा सकता हूँ। लेट्स गो ग्रीन, ओके ओके भाई बंदे गिरे गए नीचे, लेट्स गो। अबे अबे बच गए भाई दोनों के दोनों बंदे। एक काम करता हूँ भाई, भाड़ में गए ग्रीन वाले बंदे, क्यों ना ब्लू को गिरा दूं मैं, लेट्स गो ब्लू को गिरा के देखता हूँ। ओके अबे फायर पता नहीं कहाँ गायब हो गए यार, ऐसे सीन सिर्फ मेरे साथ ही होते हैं भाई हर बार, पता नहीं क्या। तो फिलहाल तो मुझे 3 डायमंड मिले हैं, वो लेके निकल लेता हूँ, वरना पता चले भाई ये डायमंड भी कोई लेके भग जाएगा। और भाई अब मुझे लगता है कि ब्लू का बैट बचाने भाई मेरे को खुद जाना पड़ेगा। ब्रो ब्लू ब्लू गाइस मैं आ रहा हूँ यार, तुम लोग टेंशन ना लो भाई, ब्लू का बैट बचाने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा भाई, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ ब्लू वाले तुम्हारे पास तुम्हारा बैट बचाने के लिए। एक सेकंड लगता है गाइस थोड़ा सा लेट हो गया मैं जा रहा हूँ, करो जो कर रहे हो तुम लोग भाई। डायमंड्स देखो यार कितने ज्यादा हो गए हमारे पास, और आधी तो चीजें भी खरीद ली हम लोगों ने। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ यार कि ब्लू वाली टीम को जो खतरा है वो ग्रीन वाली टीम से है, येलो वाली टीम से है ना, तो क्यों ना मैं जाके येलो को खत्म कर दूं। तो लेट्स गो फटाफट चलते हैं यहाँ पे येलो के बेस पे, और येलो के दो बंदे अगर उनको खत्म कर दूंगा मैं तो भाई कौन करेगा बदमोशी। तो भाई चलो येलो को खत्म करते हैं भाई, अच्छा उसने मेरे को फायरबॉल फेंक के नहीं मारी, ये लगाऊंगा भाई ट्रैप भाई बंदे ने उसके ऊपर ही पैर रख दिया डायरेक्ट। लेट्स गो भाई, एक भाई बंदे को आग लगी यार, मेरे को गोल्डन एप्पल खाना जरूरी है इधर से। तो चलो फटाफट चलते हैं भाई, बांस भी लग गए बंदे को, पॉइजन स्पेल लग गई, अब तो भाई इसको इजीली मैं मार सकता हूं। लेट्स गो ब्रो, 3.28 1.8, एक बंदा तो गया, अच्छा भाई दूसरा बंदा भी इधर था भाई। हड्डी गैंग भाई, हड्डी भाई खोपड़ी गैंग छोड़ दी इन लोगों ने भाई, रुक जा इन हड्डी लोगों को तो मैं बताऊंगा भाई, तुम लोग मुझे क्या मारोगे भाई, तुम्हारी औकात थी मेरे को मारने की हड्डी गैंग, तुम लोग क्या मारोगे, मैं खुद मर जाता हूँ इधर। सच में मर गया यार ये तो भाई, जब से ये वाला मैच खेलो ना यार मेरे को तो लग रहा है मैं बैट वॉर्स की बजाय डायमंड वॉर्स खेल रहा हूँ भाई, डायमंड कलेक्ट करते करते भाई हालत खराब हो गई मेरी। अच्छा पर 9x कह रहा की मैपर दिख गया उसे भाई, पर की मैपर यार कोई बड़ी चीज हो गई क्या, रोज 150 के भाव गिनता हूँ यार ऐसे की मैपर में। एक चीज अच्छी हुई गाइस की बस अब यहाँ पे ब्लू और रेड की टीम बची है, और तो भाई एक ब्लू वाला बंदा ना यार बाहर आके कुछ कर रहा है, मेरे पास फायरबॉल है, एक फायरबॉल दूसरी फायरबॉल तीसरी फेंक दूँ क्या, अच्छा तीसरी किसी और ने फेंक दी, लेट्स गो मेरे पास एक और। अबे भाई नीचे चला गया बंदा, एक काम करता हूँ नीचे भी फेंक देता हूँ भाई, क्या पता नीचे से ऊपर आ जाए वापस। भाई बंदा नीचे से ऊपर वापस कैसे आ सकता है यार, बात में कुछ लॉजिक नहीं होता कभी कभी मेरे। ऑल राइट गाइस मैंने यार बेस पे बैठे यार बहुत तगड़े वाले बोर हो चुका हूँ यार, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मिड पे जाया जाए और देखा जाए भाई ब्लू वाले बंदे मिड पे आके क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा भाई क्या कर रहे होगे, एमरल्ड तो कलेक्ट कर रहे होगे यार। तो मैं एक काम करता हूँ कि इनका प्रवेश द्वार ही बंद कर देता हूँ, ना रहेगा प्रवेश द्वार, ना करेंगे बंदे एंट्री, और ना बंदे कलेक्ट कर पाएंगे एमरल्ड, और ना ही बजेगी हमारे बेस की घंटी।
अलार्म ट्रैप की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेट्स गो गाइस, ब्लू वाला बंदा मिड पे आ चुका है और मैं ब्लू वाले के साथ पीपी हो चुके हैं। भाई बंदा भाग रहा है, जरूर इसके पास टीएनटी वनटी कुछ होगा और ये मेरे बेस पे घंटी बजाने जा रहा होगा। यार एक काम करो, तुम लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की घंटी बजा दो। ओके गाइस, तो मेरे बेस पे अब एक लैंडमाइन एक्टिवेट हो चुका है। हाँ भाई, लगाया होगा किसी ने। मेरे तरफ क्या देख रहे हो भाई? मैंने नहीं लगाया था यार, मैंने नहीं लगाया था। क्या सोच रहे? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ब्लू वाले बंदे क्या सोच रहे होंगे भाई, कि रेड वाले बंदे क्या करे जा रहे हैं। भाई सामान तो हमारे पास भर भर के आ चुका है भाई, सब कुछ ले लिया यार, आयरन फोर्ड गोल्ड फोर्ड भाई सब कुछ ले लिया। भाई बंदा डायमंड लेने जा रहा है, इसको इधर ही रोकते हैं बीच में। ओके फायरबॉल, ओ भाई लग गया, गिर गया बंदा नीचे। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना भाई साहब, यार देखो यार तुम लोग भाई, अंधाधुंध स्पैमिंग हो रही है भाई ब्लू वालों के पास। फायरबॉल बो भाई सब कुछ फेंक फूक के मार रहे यार भाई, गलत सीन हो गया यार ब्लू वालों के साथ। गोल्डी भाई बहुत दरिद्र इंसान है यार सच में। अबे मैं गिर गया। तो हम लोग यहाँ पे डायमंड के थ्री पे फेस पे पहुंच चुके हैं और बस बहुत कम समय रह गया भाई एंडर ड्रैगन के आने तक का। ओ भाई बंदा बाहर आ गया, भाई ट्रैप टिकट हो गया यार, ट्रैप टिकट को लेट्स गो। फायर पे मार गया और बंदा ऊपर गया भाई। मैं हमारे पानी ने इसको क्लच करवा दिया ब्रो। भाई तुम कहाँ से बचोगे यार, हमसे बच जाओगे भाई? भाई आज एंडर ड्रैगन से हमसे मिलने से कौन ही रोकता भाई? तू रोकेगा क्या हमें भाई? हमें तू रोकेगा क्या? आज एंडर ड्रैगन का और हमारा मिलन होके रहेगा ब्रो बैड वॉस के अंदर। ओके फायर बोल यार थोड़ी सी कम कर दो भाई, बहुत हो गई। क्यूब को गिराओ क्या, मैं नीचे गिराओ क्या, इसको गिराओ। अबे बच गया भाई। तो अभी तक तो काफी अच्छा चीजें चल रही थी, लेकिन इसके बाद की रिकॉर्डिंग क्या हुआ कि भाई इसके बाद वाली रिकॉर्डिंग जो है ना वो करप्ट हो गई थैंक्स टू ग्लिप रिकॉर्डर। लेकिन मैं तुम्हें आगे का मैच रिप्ले मोड में दिखा सकता हूँ। हाँ बस 19-20 का ही फर्क होगा। 19-20 का फर्क है। पहली बार बैड वॉर्स में एंडर ड्रैगन को देखने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते भाई। देखो कितना तगड़ा बैड डिफेंस किया है। और भाई दूसरी तरफ ये है हमारी ओपोनेंट टीम का बैड डिफेंस। भाई इतना भी क्यों लगाया यार, छोड़ दो ना, इससे अच्छा तो हम लोग कहाँ तोड़ रहे बैड। तो गोल्डी भाई AKA मैं दोबारा निकल चुका हूँ भाई कुछ ना कुछ अफरातुन यहाँ पे करने के लिए ब्लू के। अबे मैं पीछे रह, तो मैं इनविजिबल पोशन पे के यहाँ पे ओपन उन्टी में जाकर लगाने वाला लैंडमाइंस। और भाई यहाँ पे मैं उड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है भाई, ये नेदर गेम्स का 69वां ग्लिच है। और मैं यहाँ पे एक ब्लू वाले बंदे को बाईपास कर लेता हूँ, लेकिन भाई उसको पता नहीं चलता भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इनविजिबल पोशन पी रखा है ना। भाई मैंने फटाफट से यहाँ पे एक लैंडमाइन लगा दिया ताकि अंदर वाला बंदा फंस जाए। लेकिन भाई लगता है तभी इस बंदे को रियलाइज हो गया कि गंगाधरी शक्तिमान है। लेकिन तुम्हारे भाई ने 99 IQ लगा के यहाँ पे पॉपअप टावर लगा दिया, जो कि मैं हर बार लगाता हूँ। मैं यहाँ पीवीपी करते करते गाइस ये सोच रहा था कि मुझे मेरी टीम वालों की तरफ से कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। मुझे हेल्प मिली, लेकिन पता है कैसे? मैं अपने घर पे बैठे बैठे फायरबॉल स्पैम कर रहे हैं यार गोल्डी भाई के टीममेट से, फालतू नहीं। जैसे तैसे करके गाइस तुम्हारा भाई वहां से निकल गया और भाई इसको स्केप कर गया, लेकिन फायरबॉल तो फिर भी मारूंगा मैं। तो गाइस अभी थोड़ी ही देर में सबके बैट डिस्ट्रॉय होने वाले थे, लगभग बस 5-10-15 सेकंड रह गए होंगे। हाँ गिनते रहो तुम लोग। इसीलिए ब्लू वाली टीम तो अपने आप को प्रिपेयर करने में लगी हुई थी गाइस। और हम लोग क्या कर रहे थे? ये दोनों टीमें काफी ज्यादा मजे कर रही थी, काफी ज्यादा बकलोली हो रही थी इनके बीच में, लेकिन शायद से कोई और भी था जो इनके साथ खेलना चाहता था। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, यहाँ पे आसपास की सारी चीजें टूट गई गाइस। लेकिन भाई भाई ये सुरेश क्यों भाई अभी तक जिंदा, भाई तुम क्यों नहीं गिरे है? The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel.